वेलकम स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स उसमें चैप्टर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें पार्ट 3 जो है वो देखने जाने वाले हैं। आज हम एक ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्लाइड में आ रहा है मॉडर्न एग्रीकल्चर। 1966 में मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है इमर्ज हुआ था। यहाँ पे स्पेलिंग में मॉडर्न की जगह मॉडर्न लिखा हुआ है, याद रखना इस स्लाइड में। ओके, मॉडर्न एग्रीकल्चर का मतलब यह था कि उसके अंदर हम इनपुट में, मतलब कि जब हम ग्रोइंग कराएंगे सीड को, तब पहले हाइब्रिड सीड डालेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, न्यू मशीन जो है उसका यूज़ करेंगे, इरीगेशन फैसिलिटी यूज़ करेंगे। इन सभी का उपयोग करने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इंटेंसिवली इंक्रीज हो जाएगा। और ये एक रिवोल्यूशन के फॉर्म में हमने उसको काउंट किया था। इस रिवोल्यूशन जो था, यानी कि ये जो रिवोल्यूशन जो था वो एग्रीकल्चर का रिवोल्यूशन था, इसलिए उसको ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से उसको बताया गया। क्योंकि हमारी जो कृषि है वो हरियाली उसमें देखने को मिलती है, और हरियाली की वजह से शब्द क्या आया, ग्रीन। ओके, इसलिए इसको क्या बोला गया, ग्रीन रिवोल्यूशन। अब नेक्स्ट स्लाइड में ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो न्यू टेक्नोलॉजी का जैसे एग्रीकल्चर में यूज़ होना शुरू हुआ 1960-61 में, तब 7th डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया के थे उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट है वो अपनाया गया। इसको इनिशियली IIDPS नाम दिया गया, इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसका मतलब यहाँ पे यह होता है कि इंटेंसिवली एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रिक्ट। तो अगर इस प्रोग्राम को सक्सेस मिलता तो हम इसको पूरे कंट्री में अप्लाई करते, अगर नहीं होता तो वहाँ पर स्टॉप कर देते। लेकिन ये प्रोग्राम सक्सेसफुली अप्लाई हो गया और पूरे नेशन में फिर अप्लाई किया गया। इसको इम्प्लीमेंट ऐसे किया गया कि इसका नाम रखा गया HYVP, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। इसका मतलब ये होता है कि हम हाई यील्ड वैरायटी वाली प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलेगी, और इस रिवोल्यूशन को बोला गया ग्रीन रिवोल्यूशन। ये एक मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के रूप में भी इसको जाना जाता है, और प्रोग्राम ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी के रूप में भी इसको लोग बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग जो है एक साथ दो क्रॉप को एक ही लैंड एरिया में ग्रोइंग करवा के हम ऑप्टेन कर सकते हैं। एक मल्टीपल क्रॉपिंग जो है एक एग्रीकल्चर के वर्क का नेचर शो करता है। दो टाइप के क्रॉप हम मोस्टली देखने को मिलते हैं, वो एक होता है फूड ग्रेन, दूसरा होता है नॉन फूड ग्रेन। अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीट हो गया, राइस हो गया, कोर्स ग्रेन जैसे कि मिलेट, बाजरा, सोरगम, ज्वार, मेइस और पल्सिस जो है सभी फूड ग्रेन में आएंगे, मतलब खाने वाले क्रॉप उसको बोलते हैं। और दूसरा ग्राउंड नट है, सीसम है, कैस्टर ऑयल, सोयाबीन, लिंसिड, सनफ्लावर, ये सभी जो ऑयल है वो सभी को हम, और दूसरा है शुगर कैन, रबर, कॉटन, जूट, आर, वो सभी कैश क्रॉप में कंसिडर होता है। और रीज़न जो है मल्टीपल क्रॉपिंग के है वो दो है, कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर रहता है और दूसरा इकोनॉमिकल फैक्टर रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। मल्टीपल क्रॉपिंग जो रहता है वो डिपेंड करता है कौन से सॉइल का नेचर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, रेन कितना गिर रहा है, और ऐसे एलिमेंट रहते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे जब बाजरे का क्रॉप या तो मिलेट का क्रॉप हम ग्रो करवाते हैं, उसके बाद लोग वहाँ पे शुगर केन, टोबेको का क्रॉप जो है वो ग्रोइंग करवाते हैं, और इरीगेशन फैसिलिटी भी वहाँ पे अच्छी है। इसलिए दूसरी बात कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो है पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कैपिटल, न्यू सीड्स और फर्टिलाइजर और क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट स्लाइड में है इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर भी इतने इंपॉर्टेंट होते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग में। तो यहाँ पे 5 फैक्टर बताए गए हैं, टू मैक्सिमाइज द प्राइस एंड इनकम, मतलब प्राइस अपनी है मैक्सिमम मिलनी चाहिए, इनकम भी अच्छी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर में इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होने चाहिए, फार्म की साइज क्या है, इंश्योरेंस है प्रोटेक्शन के लिए, और टेन्योर, मतलब कि जितने भी लैंडलॉर्ड्स होते हैं ये वहाँ पे टेन्योर उस अवेलेबल है या नहीं है। तो ऐसे 5 फैक्टर जो है वो देखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इंफॉर्मेटिव डेटा है, उसमें मैं बात करूं तो हम 1950-51 में, मतलब कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 75% क्रॉप जो है वो फूड ग्रेन था, 25% क्रॉप जो है कैश क्रॉप जो था वो इंडिया में लिया जाता था हर साल फार्मर्स के द्वारा। 1966 में ऐसा हुआ कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो है देखने को मिला, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, तो 1970 और 71 में 74% फूड ग्रेन जो था और 26% कैश क्रॉप टेकन हुआ था। फिर 2010-11 की बात करें तो 66% जो है फूड ग्रेन था और 34% कैश क्रॉप जो है वो लिया गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में फूड ग्रेन वाला क्रॉप जो है वो कम होता गया और कैश क्रॉप हर साल उसका प्रोडक्शन बढ़ता गया, क्योंकि उसकी डिमांड समाज में, सोसाइटी में ज़्यादा उसकी बढ़ती गई। नेक्स्ट स्लाइड में है क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बताया गया थोड़ी डिटेल। तो इकोनॉमिक सर्वे जो 2015-16 में हुआ था ये शो कर रहा था कि इंडिया में सिर्फ 0.5 केजी पर हेक्टर पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, जबकि अमेरिका में 7 केजी, यूरोप में 2.5 केजी, जापान में 12 केजी और कोरिया में 6.6 केजी पेस्टिसाइड यूज़ होती है। तो इसका मतलब यह हो कि सभी जो डेवलप कंट्री है उसके कंपेरिजन में इंडिया में ये जो पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ही कम होता है। इसलिए हर साल इंडिया में 25% जो क्रॉप है वो स्पॉइल हो जाता है, इंसेक्ट के द्वारा डिजीज हो जाता है
या तो वीड है, या तो कैटल है, या तो बर्ड्स है, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से क्रॉप जो है बिगड़ जाता है। इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो रहती है पेस्टिसाइड की, और पेस्टिसाइड की क्वालिटी जो है अच्छी नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपर नहीं मिलती है, पेस्टिसाइड कैसे यूज़ करनी है, इसका बिग इशू इंडिया में देखने को मिलता है। फिर एक फुल फॉर्म आ रहा है CIBRC, मतलब कि सेंट्रल इंसेक्ट बोर्ड ऑफ एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है वो अपॉइंट की गई है इंडिया में, इन्फॉर्म करती है इंडिया के फार्मर्स को जो अलग अलग पेस्टिसाइड कैसे यूज़ करनी है, और इसका उसमें पॉइजन का लेवल, मतलब कि जहर जो है कितना उसमें फैल सकता है अगर इसका अच्छे से यूज़ नहीं किया गया, तो लेवल भी बताने के लिए इनको इन्फॉर्म किया जाता है इस कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एग्रीकल्चर रिसर्च। तो यहाँ पे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो ICAR है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एक ही इंस्टीट्यूट है जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च होती है, और यहाँ पे अरेंजमेंट जो रिसर्च की होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है फार्मर्स को दी जाती है, अवेयरनेस फैलाई जाती है हॉर्टिकल्चर, फिशरिंग और कैटल रेयरिंग साइंस के बारे में। ICAR ने ये पायोनियर वर्क डन किया था बल्कि पास्ट में, जिसके थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उसका एक्सपेंशन हुआ था, और इसने एक वो एक अप्रोप्रिएट एफर्ट अप्लाई करती है जिससे पूरे फूड की अवेलेबिलिटी पूरे देश को हो जाए और न्यूट्रिशन की कोई कमी ना आए। तो ये था स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी आपको डाउट होते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर आप बता सकते हैं। ओके, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।